हमारे मुस्लिम भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को सबको जो है शुक्रगुजार हूँ मैं। ये इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ कि मेरे बारे में कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पुराना आदमी हूँ आप लोगों के सामने, बचपन से आपके साथ में और ये सामने प्रेस हो इंसान हूँ मैं, और मेरा कैरेक्टर भी मालूम है आप लोगों को। आप लोगों के सपोर्ट से जो है पहला सीएससी के स्टार्टिंग मेंबर्स हुआ मेरा, हर रोज हर दिन आप लोगों को सपोर्ट मिला मेरे को, जब इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट कलेज के लिए और बाद में एमएलए के कंटेस्ट में मैं तो सामने जिताया आप लोग, और आप पार्लियामेंट के कहने के नाते पर आपके सामने आया हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आजकल माहौल देख रहे हैं आप लोग, आजकल माहौल ऐसा है कि इससे पहले जो जीते सो एमपी है अरविंद, आते हैं आप लोग वोट नहीं जाते मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग कांग्रेस के बारे तो जीत ज्यादा हो जाते वोट कांग्रेस डालते। मैं एक कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा कम करा, इससे पहले जो कंटेस्ट हुआ जब बीआरएस पार्टी से साबिका सीएम साहब की बेटी कविताम्मा कंटेस्ट कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी से मधीराज गौड तीसरी बार कंटेस्ट करा उन्हें, और बीजेपी से सुदर्शन लेगिया और जीवन रेड्डी का दोस्त देव श्रीनिवास का बेटा भी कंटेस्ट करा बीजेपी से, वो दोनों मिलके जो है खुद के पार्टी का उम्मीदवार को हरा कर, वो भी डिपॉजिटरी चले गए सर का कर बीजेपी कैंडिडेट जीता है दोनों मिलकर। कौन अब है सो एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब, अब जो कंटेस्ट कर रहा पार्लियामेंट के उम्मीदवार के नाते पर कांग्रेस पार्टी का जीवन रेड्डी, दोनों मिलकर बीजेपी सपोर्ट करके जो है अरविंद जीता। अरविंद जब जीते, जीतने के बाद पांच साल लोग ये समझे कि जवान बच्चा है, पार्लियामेंट का एमपी बनने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लाता अपने एरिया डेवलपमेंट करता बोल के उम्मीद करे, लेकिन उनके जबान से कभी भी वो डेवलपमेंट के बाद नहीं आता, एक ही बात आता है कि रोहिंग्या हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया, इसके सिवाय मस्जिदा, ये इसके सिवाय दूसरी बात नहीं आता। हिंदू मुस्लिम ने भड़का कर जो है झगड़ा करने के वास्ते कोशिश करके उस फायदा उठाकर जो है फिर आईना वोट लेना चाह रहा हूँ, तो आप लोग यही समझना चाहिए कि अभी मैं ट्रायंगल पॉइंट है, बीआरएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ट्रायंगल पॉइंट में आप जो है बीआरएस पार्टी नजरअंदाज मत कीजिए। 10 साल बीआरएस पार्टी स्टेट में जो है गवर्नमेंट था केसीआर साहब के नजर पे, उन्हें क्या करा क्या नहीं करा अब सब लोग मालूम है। ये स्टेट में तेलंगाना स्टेट लेके आने के बाद तेलंगाना स्टेट में हिंदू और मुस्लिम को भाई भाई के नाते पर उन्हें देख लिया, दो आंखों से एक आंख पर एक आंख से जो हिंदू के एक आंख से मुस्लिम को देखे साथ में आया, और ये समझता था कि ये कहता था कि उन्हें सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम होम में रहते वो लोग बढ़ाना चाहिए, फाइनेंशियली बढ़ाना चाहिए, हर बात में सपोर्ट करना चाहिए उनके उन्हें, और बच्चों को औरत बच्चों को और मर्द बच्चों बच्चों को औरत बच्चियों को सेपरेट सेपरेट माइनॉरिटी स्कूल बनाए, वो लोग जूनियर कॉलेज में पढ़े और डिग्री भी पढ़े, फॉरन भी चले गए, स्कॉलरशिप दे दिए लोगों को 20 लाख रुपये तक, बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। ये 10 साल के अंदर कम से कम 1000 करोड़ रुपये खर्च करके जो है आप लोगों को अप्रूव करने वास्ते कोशिश कर रहा हूँ, वही नहीं है गरीब बच्चियों को जो है शादी करे तो शादी मुबारक के स्कीम पर 1,116,000 रुपये हर
गरीब को दे चुके हैं। हजारों हजारों जो छेका प्रशांत रेड्डी और मैं बांट बांट के जो है हाथ खींच रहे हमारा, और वही में जो इमाम रहता मस्जिद में मौजूद रहता वो लोग तनखा दिया मैंने मैंने, और सब कुछ करा हूं, कभी भी फिरका फरस्त भी नहीं करा नहीं तेलंगाना में। अब जो है कांग्रेस पार्टी जीत गया स्टेट में, इसलिए जीत गया उन्हें कि लोगों को ऐसा भटकाया रेवंत रेड्डी कि केसीआर सब ठीक ही करा चीज करा उससे डबल करते हुए बोले ना उन्हें रेवंत रेड्डी, इसलिए दो बार हम लोग टीआरएस डाले, एक बार डाले के कांग्रेस पार्टी डाल दिया। जो वादा करा झूठे वादे, वो झूठा वादे में से एक भी पक्का नहीं करा हमें एक भी। वो जाते पर भी मुस्लिम्स को मुसलमान होम को जो मस्जिद में ईमान रहता और मौजूद रहता महीना महीना तनखा भी बंद कर दिया हमें, और जो रमजान को तोहफा देते थे हमें सरकार की तरफ से तोहफा बंद कर दिया हमें, इसलिए बंद करा के दवा भी देते थे सब करते थे उन्हें आप बंद कर दे। क्यों बंद कर रहे हैं आप सुनना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल कांग्रेस का आदमी नहीं होता है, ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी का नहीं होता, उन्हें सेक्युलर आदमी नहीं होने, इसके जो है जड़ इसके जड़ आरएसएस का है, बोले तो आरएसएस कांग्रेस का है रेवंत रेड्डी, प्योर कांग्रेस नहीं होता सर। कांग्रेस पार्टी जब चले गया कि राजशेखर रेड्डी वाईएस राजशेखर मर गया जबकि ओरिजिनल कांग्रेस मर गया, अब जो है नकली कांग्रेस है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आज जो उम्मीदवार है कांग्रेस का उम्मीदवार का भी बारे में सबको नहीं मालूम, मैं तो बहुत से लोग मिले जगताल से कोर्ट से मिले, उन्हें एमएलसी भी है, उन्हें मौजूदा एमएलसी है, उन्हें इधर भी वोटर डाले उनको, अभी एक साल एमएलसी है बाकी, और पांच साल जो करा एमएलसी इस एरिए में किसी एक काम नहीं करा उन्हें, किससे मिला भी नहीं उन्हें, उधर ही चला जब था उधर था और हैदराबाद चले गया, मगर पहला तो वोटा लिया हमने अपने वोटर से, और ये भी करता है कि कोई मिलने के वास्ते गए उनके पास, एक ही कुर्सी रहता उसका बैठने के वास्ते सामने एक कुर्सी नहीं रहता, बहुत बड़ा दौरा है हमें, मेरे बोल रहे आज वहाँ के लोग बोल रहे सर ये क्या नहीं पड़ता किसी को बैठने नहीं देता, बात भी ज़्यादा नहीं करता हमने, सिंपल सिंपल रहते चले जाओ बोल देता हूँ ये साथ में, और नेक्स्ट बीजेपी का भी क्या है अरेमेंट फेलो है उन्हें, दरखास्त किए तो ऐसा लेके फेंक देता हूँ, आप लोग तो जाते नहीं, हिंदुओं में जब जो लोग गला फाट फाट कर पुकार के जो उसको जिताए वो लोग अभी जो है गुस्से में हो, बीजेपी के कैडर भी गुस्सा है, दरखास्त किए तो केयर नहीं करता हमें, दरखास्त फेंक देता हूँ, काम बोले तो नहीं करता हमें, कम से बैठे बैठे नहीं बोलता हमें, उसके पास रेस्पेक्ट नहीं है कुछ नहीं है, और उसको हराने के वास्ते बीजेपी सामने आ रहा है, तो इधर बाद में नकली कांग्रेस के कैंडिडेट है, मैं मेरे बारे में मान लू सेक्युलर पार्टी का जो है उम्मीदवार हूँ, केसीआर साहब तकलीफ में है, लोग उनको धोखा टूट नहीं बोल रहा, मगर कांग्रेस पार्टी का जो छोटे वाले से धोखा खा गए लोग उससे कहा सत्ता में चले गए, अंदर सत्ता नहीं है, अब उनका हाथ मजबूत मजबूत करना चाहिए, कैसा सर को हाथ मजबूत करना चाहिए, एक मौका आया हमें पार्लियामेंट का मौका आया पार्लियामेंट इलेक्शन का, इसलिए मेरा मुस्लिम भाइयों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे जिताइए कार्य निशान पर वोट डालकर मुझे जिताइए, मुझे जिताए तो कैसा सर का हाथ मजबूत करेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, और पाँच साल के अंदर सरकार भी आता जरूर, क्योंकि मेरे बारे में आप और क्यों मालूम है, जब मैं यहाँ पर एमएलए था आर्मी का एमएलए था, जब इंडिपेंडेंट पास पॉइंट पे भी लेकिन मैं लड़ा, आप सब लोग मेरे सपोर्ट करें, सेकंड में गया मैं एमएलए को लड़ा, मैं एमएलए जीतने के बाद सरकार नहीं था टेलीविजन पर सरकार था, अपोजिशन में था मैं, अपोजिशन में रह कर लड़का जो है इसे डेवलप कर रहा हूँ, कल मैं यहाँ पर थोड़ा सा जीतने के बाद
अपोजिशन में लड़के लड़ने लगा चंद्रा जो 5 साल लगे जरूर लेके आते हैं जो काम करने गए पूरा करता हूँ जीतने के बाद यदि आप लोगों को मैं उम्मीद रखता हूँ इससे पहले जो एनपीए अरविंद कविता मुझे छोड़कर उससे पहले बढ़िया से उड़ता आप डायरेक्टर था या मेरे पति था वो सबसे अच्छा काम करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को ये वादा कर रहा हूँ आप लोगों को एक बार मौका दीजिए शुक्रिया थैंक यू वेरी मच।